बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। बेसिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता हो या फिर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की बात हो, राजीव वर्मा जी प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री रहे हैं और आज भी महामंत्री हैं, लेकिन आज इनके पास नया प्रभार आया है, जिला मंत्री बन गए हैं ये यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन में। बहुत बहुत बधाई राजीव जी आपको सबसे पहले। और ये हमेशा लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तो हम इनसे बात करते हैं आज कि इन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरह से इनकी समस्या टीचरों की और जो बेसिक शिक्षा में जो सुधार की आवश्यकता है वो कैसे पूरी होंगी। जी राजीव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एक बार और। हम ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है उसे किस तरह से निभाएंगे और क्या जिम्मेदारी रहेंगी। देखिए, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ में नगर मंत्री हूँ आगरा का। यहाँ तो सारे शिक्षकों की समस्या मैं शुरू से सॉल्व करता आ रहा हूँ। अब मेरे को यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन का जिला महामंत्री घोषित करा हुआ है अभी निर्वाचन कार्रवाई के अंतर्गत, तो अब मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि पूरे जिले के 15 ब्लॉकों को भी देखना है, सारी समस्याएं देखनी है। और जैसे मैं नगर की समस्या देखता चला आया हूँ, वैसे ही जिले के किसी भी शिक्षक की कोई समस्या आएगी या किसी का शोषण हो रहा है तो उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिक्षक की समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा में सुधार की वर्मा जी, तो क्या लग रहा है कि हमें बेसिक शिक्षा में सुधार मिल पा रहा है? देखिए, बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ भौतिक सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, लाइट विद्यालयों में नहीं है, पानी नहीं है, स्टाफ की भारी कमी है। एक एक विद्यालय के एक एक शिक्षक को आज भी चार चार पांच पांच विद्यालयों का चार्ज दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। जब तक टीचर नहीं होंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? फिर समय से किताबें ना मिल पाना, समय से ड्रेस ना मिल पाना, जूते मोजे ना मिल पाना बहुत बड़ी समस्या रहती है। बिल्डिंग जर्जर है, शौचालय नहीं है, कई विद्यालय ऐसे हैं कि लड़कियां पीने का पानी नहीं पीती हैं, पी आएंगी तो फिर उनको टॉयलेट आएगा, टॉयलेट आएंगी तो जाएंगी कहाँ से? तो बहुत समस्या है। हमारा मतलब यह है इन सब सुविधाओं में अगर सुधार किया जाता है तो बेसिक शिक्षा वो दूर नहीं कि कॉन्वेंट स्कूल को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन वर्मा जी, अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा में तो टीचर की सबसे बड़ी कमी है और अभी ये देखा जा रहा है कि एवीआरसी बना दिए गए हैं, अन्य स्कूलों को उनके साथ जोड़ दिया गया। जब वो शिक्षकों की कमी है तो एवीआरसी बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना स्कूल छोड़ेंगे तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा? देखिए, एवीआरसी जो भी बनाए गए हैं, सबसे पहले तो ये है, ये कोई नियम नहीं कहता है कि उनको विद्यालय छोड़ दिया जाए। पहले वो अपना विद्यालय देखेंगे, 8 से 1 विद्यालय देख सकते हैं। अगर विद्यालय की समस्या देखनी है तो किसी कारणवश वो 8 से 1 के बीच में जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है प्रतिदिन अपने विद्यालय में ताला लगा दें या 2-2, 4-4 विद्यालय को चार्ज ले लें, ये ठीक प्रतीत नहीं होता है। मैं अधिकारियों से भी यही कहना चाहूंगा कि इन विद्यालयों को शिक्षकों को ही चार्ज दिया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि एक एक एबीआरसी को 3-3, 4-4 विद्यालय चार्ज मिलेगा तो वहां पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी अच्छे से। क्या व्यवस्था ही विद्यालय को चला सकती है? इसके लिए शिक्षकों की बेहद आवश्यकता पड़ेगी। क्या लग रहा है कि जो व्यवस्था की गई है एबीआरसी की, क्या इसकी सोच क्या है, क्या नीति है, क्या वो वास्तव में इस काम के लिए लगाए गए हैं या फिर मात्र जो कहते हैं कि कमाई का एक उगाई का एक जरिया बन के रह जाते हैं एबीआरसी? देखिए, एबीआरसी का कार्य सिर्फ विद्यालयों में जाकर लाइट है, पानी है, स्कूल के छात्रों को समस्या है, ये कार्य करना है, इसकी समस्या दूर करना है। दूसरी चीज, इनको जो सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है, हर सब्जेक्ट की बच्चों को जाकर पढ़ाई करानी है, अनुश्रवण कराना है और शिक्षक व छात्रों की समस्या को ही केवल ज्ञात करना है। इनका काम है केवल विद्यालय में जाकर अनुश्रवण करना, छात्रों की शिक्षकों की समस्याओं को सुनना। इसके विपरीत ये विद्यालयों में समय से पहले पहुंचकर फोटोग्राफी करते हैं, टीचर्स को धमकाते हैं। कई टीचर्स ने हमको प्रार्थना पत्र इस संदर्भ में दिए, हमने डीएम साहब को भी बताया, सीडीओ साहब को इस संदर्भ में बताया, आप विद्यालय का अनुश्रवण करें। टीचर्स वैसे ही परेशान है, एक एक टीचर, अगर कोई मान लीजिए विद्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है तो क्या टीचर से लेट का कारण जाना?
उसको सब्जी लेकर आनी है, दूध लेकर आना, फल लेकर आना है, सारी जिम्मेदारियां सुबह से कर रहा है। 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर स्कूल है उसका घर से, तो सारी समस्या पूरे करते हुए अगर 5 मिनट वो लेट आ जाता है टीचर तो क्या गुनाह हो जाता है? अगर ये सारे टीचर्स को अगर समय से ही बुलाना है तो ये MDM वाली व्यवस्था बंद कर दी जाए, NGO को दे दिया जाए, जिससे टीचर समय में पहुंचेगा केवल पढ़ाई कराएगा। तो कुछ कारण ऐसे हैं, इसका फायदा उठाते हैं CRC, फोटोग्राफी करते हैं और गलत रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी को देते हैं, स्पष्टीकरण करवाते हैं क्या मनसा है इसका, ये प्रतीति होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खुद टीचर हैं अपने विद्यालयों में ताला बंद कर ये विद्यालय दूसरों को हवाले कर दूसरे विद्यालय में निरीक्षण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या रहेगा जिस तरह से आपको एक जिला मंत्री का एक आपकी जिम्मेदारी मिली है, तो आगे ऐसी गतिविधियों के लिए किस तरह की आपकी कार्रवाई रही, किस तरह का संघर्ष रहेगा जिससे कि टीचर का शोषण ना हो पाए और एक शिक्षक जो है वो शिक्षा में एक ध्यान दे पाए? देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ के नाते और यूटा के माध्यम से हम कभी भी अपने जिलाध्यक्ष हमारे केशव दीक्षित जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उनके नेतृत्व में किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको उनका अधिकार दिलाया जाएगा। हर संभव प्रयास करा जाएगा टीचर्स को टीचर का अधिकार मिले, उसकी पढ़ाई की ड्यूटी है, पढ़ाई ही करे, किसी भी तरह शोषण ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। राजीव जी का साफ कहना है कि टीचर का शोषण किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वो ABRC हो, चाहे BRC हो और चाहे वो BSA हो। तो कहीं भी अगर हम शिक्षक की बात करेंगे तो शिक्षक का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो शिक्षक का जो शोषण हो रहा है वो वास्तव में रुक पाएगा या फिर ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये ऐसी ही चलती रहेंगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।